आपको बताते चले, दो दिन पहले कांग्रेस के कद्दावर नेता पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर प्रभात जी ने केंद्र व राज्य सरकार से मांग की थी कि छोटे दुकानदार को छूट दी जाए कि वह अपने रोजगार को कर सके। आपको यह जानकर खुशी होगी कि कांग्रेस की ये मांग सरकार ने स्वीकार कर ली है। राज्य सरकार की स्वीकृति मिलते ही छोटा रोजगार करने वालों को रोजगार की छूट किस तरह दी जाए, ये नीति सामने आते ही मध्य वर्ग के रोजगार संकट में कुछ कमी आएगी। साथ ही आज नवप्रभात जी ने देश के विभिन्न इलाकों में फंसे उत्तराखंड के लोगों को वापस लाने की मांग सरकार से की है। आवाज मजबूत हो तो सरकार सुनने पर मजबूर किया जा सकता है। आज केंद्र सरकार ने एक अच्छा आदेश जारी किया है कि छोटे दुकानदारों को दुकान खोलने की सुविधा प्रदान की जाएगी, भले वो आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में ना आने वाली वस्तुओं से व्यापार करते हैं। इससे समाज के एक बड़े वर्ग को फायदा होगा। हाँ, उनकी बात सही है कि मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल, जहाँ पर बड़ी गैदरिंग होती है, वहाँ अभी हमें और सावधानी बरतनी पड़ेगी। मैं आज एक चीज़ और सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूँ। बड़ी संख्या में हमारे विकासनगर क्षेत्र के भी लोग ऐसे हैं जो बाहर किसी जनपद में, बाहर किसी प्रदेश में फंसे हुए और वो अपने घर वापस आना चाहते हैं। वर्तमान व्यवस्था में कुछ सुविधा तो मिल रही है, पर वो बहुत ही अवलंबनीय केसेस में सरकार द्वारा दी जा रही है। यदि हम एक निश्चित समय अवधि का कोई ऐसा प्रोग्राम तय कर सकें जिसमें इन तमाम लोगों को धीरे धीरे, एकदम नहीं मैं कहता, एक दिन में नहीं कहता, कोई भी व्यवस्था प्रशासनिक अधिकारी विचार कर ले, हम उनके घरों तक आने की सुविधा दें, तो इसका एक बहुत बड़ा फायदा होगा। जब वो अपने घरों में आ जाएंगे, जब बच्चे अपने माँ बाप के पास आ जाएंगे, तो जिस चीज़ की सबसे बड़ी आवश्यकता है और जो लॉकडाउन में और एकांत में बैठने के कारण आदमी के दिमाग में जो तनाव की स्थिति पैदा होती है, उस तनाव की स्थिति से हमारे यहाँ के निवासी भी बचेंगे और बाहर रह रहे उनके बच्चे भी बचेंगे। इसमें सारे स्कूलों में और दूसरी जगह नौकरी करने वाले सारे ही बच्चे कवर हो जाएंगे। हाँ, इसकी एक फ़ायदा और भी होगा। अभी बहुत बड़ी संख्या में लोग विकासनगर में ऐसे फंसे हुए हैं जो बाहर के प्रदेशों के रहने वाले हैं और हमारे प्रशासनिक अधिकारियों को उनकी देखरेख, उनका इंतजाम, उनके भोजन की व्यवस्था करने के लिए काफ़ी समय अपना लगाना पड़ रहा है। उनका ये समय बच जाएगा, सरकार का खर्चा भी बचेगा किसी व्यवस्था पे।